नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पानी पीसेस एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी जीके के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण जीके से संबंधित है, यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको जो है सभी कंप्लीट इसी में यूपी जीके परिचय में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है टॉपिक वाइज क्रमवार देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राज्य है। अगर इसकी हम लोग राजधानी की बात करें, यानी प्रशासनिक और विधायी राजधानी की बात करें, यहाँ पर जो है विधानमंडल है या जो है जहाँ से प्रशासन चलता है, तो वह राजधानी दोस्तों लखनऊ है। कौन सा है? वह राजधानी लखनऊ है उत्तर प्रदेश की। अगर देखें न्यायिक राजधानी की बात करें, जहाँ से जो है न्यायालय, जहाँ पे न्यायालय जो है स्थित है, वह जो है न्यायिक राजधानी के रूप में प्रयागराज को हम लोग जानते हैं। चलिए आगे और हम कुछ लोग कुछ पॉइंट को जानते हैं। तो 1 अप्रैल 1937 को, कब दोस्तों? 1 अप्रैल 1937 को आगरा और अवध को मिलाकर जो है संयुक्त प्रांत के रूप में उत्तर प्रदेश का नाम था। और बात करें तो 1950 में देखें तो संयुक्त प्रांत का जो है नाम बदलकर जो है उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तब से वर्तमान समय तक जो है उत्तर प्रदेश ही है। इसमें बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण शहरों में देखें, जिसमें आपका आगरा है, अयोध्या है, कानपुर, झांसी, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा, मुरादाबाद और आजमगढ़ जो है यहाँ के महत्वपूर्ण शहर हैं। अगर वर्तमान समय में देखें तो नोएडा भी एक महत्वपूर्ण शहर हो जाता है, ठीक है। मुजफ्फरनगर भी हो जाता है। लखीमपुर खीरी को आप लोग कैसे भूल सकते हैं, यहाँ जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगर हम लोग अब देखें देखें तो उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बारे में देखें तो किससे किससे लगता है, तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है उत्तराखंड से लगती हैं, हिमाचल प्रदेश से लगती हैं, पश्चिम में हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से, दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लगती हैं, पूर्व में बिहार और झारखंड से लगती है। इसके साथ ही जो है उत्तर प्रदेश एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य भी है, जो नेपाल के साथ भी जो है अपना सीमा साझा करता है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा नेपाल की राजधानी कौन सी है। आगे अगर हम लोग बात करें तो 9 नवंबर सन 2000 को भारतीय संसद ने उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जो पहाड़ी जिले थे उससे जो उसके जो है 13 जिलों को अलग करके जो है एक नया ना स्टेट बनाया था, जिसे हम लोग उत्तरांचल के नाम से जानते थे। आगे देखिए तो उत्तरांचल का नाम बदलकर 2006 में जो है उत्तराखंड कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सा जो है सघन आबादी, बात करें तो गंगा यमुना जो है, गंगा यमुना उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं और जितनी भी आबादी है यहीं पर भी पाई जाती है। अगर बात करें तो विश्व के केवल 4 देश को छोड़ दे तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करता है। यानी देखें तो विश्व के वे 4 कौन से देश हैं जो सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करते हैं, जिसमें चीन है, भारत स्वयं है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया है, उसके बाद जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही आता है, ठीक है। जबकि ब्राजील के बराबर जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा और नोट करके रखिएगा। अब बात करें उत्तर प्रदेश को वर्तमान में 3 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है, जिसमें भाभर और तराई प्रदेश। बात करें उत्तर प्रदेश का उत्तरी वाला क्षेत्र जो नेपाल और उत्तराखंड से लगा हुआ है, उसे हम लोग भाभर और तराई वाले नाम से जानते हैं। तीसरे पार्ट में अगर हम लोग देखें तो गंगा यमुना का जो है क्षेत्र होता है, जो गंगा यमुना का दोआब वाला क्षेत्र है उसमें बांटते हैं। और तीसरा बांटते हैं दक्षिणी पठारी भाग में, जिसमें आपका बुंदेलखंड आता है, ठीक है। बुंदेलखंड, मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर, झांसी, ये सब आते हैं। ये सब दक्षिणी पठारी भाग के अंतर्गत आते हैं उत्तर प्रदेश। आगरा से 12 किलोमीटर दूर पर बात करें तो यहाँ पे देखें तो प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर माह में जो है कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा आगरा में। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आगरा में ही जो है उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण सीमाओं के बारे में। अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश की सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश और एक जो है देश से लेकर टोटल 10 राज्यों से, यानी 10 राज्यों से सीमा साझा करती है, यानी 10 जगह से सीमा साझा करती है, जिसमें बात करें 9 तो भारत में ही है और एक देश नेपाल लगा है। जिसमें 9 में देखें तो 8 जो है पूर्ण राज्य हैं, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हम लोग दिल्ली के नाम से जानते हैं। यानी दिल्ली जो है भारत की राजधानी भी है, केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश के साथ जो है सीमा साझा करता है, और एक देश नेपाल के साथ।
अब बात करें उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ लगती है, किसके मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और सबसे छोटी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो यह जो है हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है, लगभग 100 किलोमीटर के करीब में सीमा साझा करती है। ठीक है, सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जो है जिला अगर हम लोग देखें तो यह ललितपुर है, यानी ललितपुर जो है सबसे कम जिलों से अपना सीमा स्पर्श करता है, वह भी एक ही जिला है झांसी, जिससे जो है वह स्पर्श करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया का जो है सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, जो उत्तर प्रदेश यानी प्रयागराज जो है उच्च न्यायालय है वह एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। अब देखिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में देखते हुए चलते हैं कि इसकी जनसंख्या क्या है। क्या है राजधानी की बात करें तो लखनऊ राजधानी है। सबसे बड़े शहर की अगर हम लोग बात करें तो कानपुर जो है सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या की बात करें तो लगभग 21 करोड़ जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो इलाहाबाद में जो है सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका महोबा है। घनत्व की बात करें तो 829 किलोमीटर स्क्वायर प्रति व्यक्ति जो है जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार। किसके 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 829 प्रति व्यक्ति जो है उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। भारत की बात करें तो 382 है, कितना है 382 है भारत की, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की बात करें तो 243,286 वर्ग किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। वर्तमान में देखें तो उत्तर प्रदेश में 72 जिले हैं, सॉरी दोस्तों 75 जिले हैं। एक और नया जिला बनाने की मांग उठी है जिसका नाम आंवला है। क्या जिसका नाम आंवला है, इसको एक और नया जिला बनाने की मांग की गई है। बात करें राजभाषा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की दो राजभाषा है, जिसमें एक हिंदी है एक उर्दू है। उर्दू की अगर हम लोग बात करें तो 1989 में जो है उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा मिला था उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश के गठन की अगर हम लोग बात करें तो गठन जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कहीं कहीं पे आपका मिलता है 24 जनवरी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश द्वारा जो सरकार द्वारा जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई है। ठीक है, तो इस आधार पे देखें तो 24 जनवरी ही माना जाएगा उत्तर प्रदेश का गठन दिवस। ठीक है, बात करें विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल जो है द्विसदनीय है, एक आपका है विधानसभा है और दूसरा जो है विधान परिषद है। विधानसभा में अगर हम लोग देखें तो 100 सीटें हैं। ठीक है, इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, विधानसभा में अगर हम लोग बात करें तो 403+1, ये एक दोस्तों जो एक है आंग्ल भारतीय वाला, यह जो है खत्म कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके 104वें संविधान संशोधन द्वारा, अनुच्छेद 333 में था, इसको जो है खत्म कर दिया गया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतीय संसद में बात करें तो राज्यसभा में जो है 31 सीटें जो है उत्तर प्रदेश से हैं और लोकसभा में जो है 80 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की बात करें तो इलाहाबाद या प्रयागराज उच्च न्यायालय है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग तहसीलों की बात करें कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने तहसील हैं, 316 तहसील है। ब्लॉकों की बात करें तो लगभग जो है 821 ब्लॉक है। नगर एवं नगर समूह की अगर हम लोग बात करें तो जो है 630 नगर या नगर समूह है। उत्तर प्रदेश की जो है सबसे बड़ा नगर की कानपुर। नगर निगम की बात करें तो जो है वर्तमान समय में देखें तो नगर निगम दोस्तों 17 था, वर्तमान में जो है 18 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में। 18वां नगर निगम जो है शाहजहांपुर बना था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नगर पालिका की बात करें तो 194 है। नगर पंचायतें जो है 423 है। क्षेत्र पंचायतें जो है 821 है। इन सबको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्राम पंचायतों की अगर हम लोग बात करें तो जो है 5,51,914 है। और जो है आबाद ग्राम की बात करें तो 97,941 आबाद ग्राम है। ठीक है, अब बात करें कुल ग्राम की बात करें तो 1,06,774 कुल ग्राम है। अब बात करें जो है प्रथम विधानसभा गठन की बात करें उत्तर प्रदेश में तो 8 मार्च 1952 को हुआ था। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। प्रथम विधान परिषद की अध्यक्ष की हम लोग बात करें या सभापति की बात करें तो श्री चंद्रभान जी जो है प्रथम विधान परिषद सभापति थे उत्तर प्रदेश के। प्रथम न्यायाधीश की बात करें तो न्यायमूर्ति कमलाकांत जो है इलाहाबाद यानी जो उच्च प्रयागराज वर्तमान समय में उच्च न्यायालय की
प्रथम जो है कमलाकांत वर्मा प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी। प्रथम महिला की अगर हम लोग बात करें, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री की अगर हम लोग बात करें तो जो है यह जो है सुश्री मायावती जी जो है प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री हैं, और यह जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जो है मुख्यमंत्री भी रही हैं, 4 बार रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम लोकायुक्त जो है बिशंभर दयाल जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, और प्रथम विश्वविद्यालय की बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की सामान्य पर्चे के बारे में जाना। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे जो है और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।